नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सिलवासा के कई वाइन शॉप के बाहर पिछले दिनों से काफी भीड़ देखी जा रही थी। ऐसे कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा देखा जा रहा था। जिला प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए रैपिड टेस्ट कैंप लगा दिया है, जहां बिना टेस्ट के आप शराब की खरीदी नहीं कर सकते हैं। सोमवार को खास पहल देखा जा रहा था, जब प्रशासन द्वारा यह कैंप लगाया गया तो अच्छी खासी भीड़ थी, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जब कहा गया कि सबको टेस्ट कराने के बाद ही शराब लेनी है, तो लाइन में लगे काफी लोग पीछे से निकल लिए। देखिए नरोली रोड और टोकरखाड़ा के वाइन शॉप का दृश्य। सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि जिला प्रशासन द्वारा तमाम जगहों पर जिस तरह से कोरोना को रोकने के लिए जो मुहिम है वो लगातार चालू कर दिया गया है। ऐसे में अगर बात करेंगे तमाम वाइन शॉप का, पिछले कई दिनों से लगातार जो है शराब की खरीदी के लिए लगातार जो लोग हैं वो भीड़ इकट्ठा कर रहे थे और लाइन में लगकर काफ़ी जो भीड़ लग रही थी उसको काबू में करने के लिए प्रशासन ने कोरोना का टेस्टिंग का अनिवार्य कर दिया। अगर यदि आप दारू की खरीदी के लिए अगर आप शराब के ठेके के बाहर खड़े होते हैं लाइन में, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी कोरोना की जो टेस्ट है वो करना बहुत ही जरूरी हो गया। एक साथ अगर आप दाहिने तरफ देखेंगे तो किस तरह से तमाम जो लोग हैं, जैसे देख सकते हैं लगातार जो है लाइन में लगे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर टेस्ट कराएंगे, और टेस्ट कराने के बाद जो है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ये जो कोशिश है वो एक बड़ी मुहिम की तरह से नज़र आएगी, क्योंकि जो लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं कहीं ना कहीं अब जब ये लोग टेस्ट करा कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का एक संक्रमण जो लगने का खतरा होता है उस पर भी एक बड़ा प्रहार प्रशासन द्वारा किया गया है। अगर देखेंगे दूसरी तरफ ध्यान से जूम करके दिखाया जाएगा तो पता चलेगा कि किस तरह से लोग जो है लगातार लाइन में लगे हुए हैं, और जिस तरह से यहाँ पर जितने भी लोग लगे हैं वो सभी जो लोग हैं कहीं ना कहीं कोरोना का जो टेस्ट है वो करा चुके हैं और उनका जो टेस्ट जो है वो नेगेटिव पाया गया है।